प्रदेश के मैनपुरी के गांव अपूरपुर में हुए फुलवासा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतका के पुत्र ने ही अपनी भाभी और सहयोगियों के साथ मिलकर फुलवासा की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी पुत्र और उसकी भाभी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। आरोपी ने भाभी से अवैध संबंधों का विरोध करने पर शराब के नशे में अपनी मां की हत्या की थी। पुलिस लाइन के सभागार में एसपी अजय कुमार पांडे ने इस घटना का खुलासा किया है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 9 जनवरी को अपूरपुर निवासी कनौजी लाल की पत्नी फुलवासा घर से गायब हो गई थी। 20 जनवरी को मेरापुरा छदामी के बम्बे में फुलवासा का शव एक पोटली में बंधा मिला। मृतका के पति कनौजी लाल ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो मृतका के छोटे पुत्र कृष्ण कुमार उर्फ लालू पर शक हुआ। कृष्ण कुमार शराब पीने का आदी था और उसके प्रेम संबंध बड़े भाई संजेश की पत्नी इंद्रवती के साथ थे। पुलिस ने इंद्रवती को भी हिरासत में लिया। पहले तो दोनों इधर उधर की बातें करते रहे, लेकिन पुलिस ने सख्ती की तो फुलवासा की हत्या का खुलासा हो गया। एसपी ने बताया कि फुलवासा का पति एक मैरिज होम में चौकीदारी करता है। घटना वाली रात वह घर लौटा तो पत्नी नहीं थी। पुत्र वधु इंद्रवती ने जानकारी दी कि फुलवासा खेत में पानी लगाने गई है। वह नहीं आई तो उसकी तलाश शुरू कर दी गई। 20 जनवरी को उसका शव मेरापुरा छदामी के निकट बम्बे में बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपी पुत्र लालू ने जानकारी दी कि शराब पीने के लिए मां ने पैसे नहीं देती थी। घटना वाले दिन गांव के सुनील कुमार के आलू खोदकर 4 बजे घर आया और अपने साथी हेतराम व भीमसेन के साथ रकरी जाकर शराब पी। इसके बाद वह तीनों घर आ गए और घर में फिर शराब पी। घर में फुलवासा से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ तो इंद्रावती ने भी लालू का साथ दिया। विवाद इतना बढ़ गया तो सब ने मिलकर फुलवासा की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को बम्बे में ले जाकर फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी पुत्र और पुत्र वधु को गिरफ्तार कर लिया है और कहा कि 2 अन्य आरोपी भी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। मैनपुर से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। इंसान का जीवन मिला है पाप करने के लिए, और माँ ही थी वो। और कब से तुम नशा करना शुरू किए थे? 1 साल से। क्या नशा करते थे? शराब के नशे में कर दिए होंगे, और वैसे होशोहवास में तो उससे शायद ना करते। और वो हेतराम और भीमसेन कहाँ हैं? तो वो उनको कहाँ से बुला लिया गया? गरीब यार, मोटरसाइकिल बरामद किए हो? अभी तो भागे भागे उनसे मिल जाएगी। किसकी थी मोटरसाइकिल? तो वो 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी और मोटर की बरामदगी से। और वो जो 35,000 रुपये थे वो तो घर में थे, बक्से में थे? बक्से में तो नहीं थे, मतलब 10,000 मिलेंगे। अच्छा, तो लड़के ने मार दिया? लड़के की शादी नहीं हुई थी? तो अभी शादी नहीं हुई थी लड़के? क्या नाम है लड़के का? लालू। लालू। और भाभी का? इंद्रवती। दोनों लोगों ने मिलकर मार दिया तो पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। अब कहावत गए कि अब दोनों ही मारे, लेकिन हमारी नज़र में तो बहुत मारना था। मारना कनौजी लाल। अच्छा, कनौजी लाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? अपूरपुर। अच्छा, आपकी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी, किसने की थी? यही पता ना साहब, हम तो शांति गार्डन पे रहते हैं। अच्छा, पुलिस ने किन लोगों को पकड़ा है? किन लोगों को पकड़ा है? भाई लड़का। अच्छा, क्या उन्होंने हत्या की थी? हाँ, तो नहीं करी और क्यों करे फिर? अच्छा, किस मामले को लेकर की थी? क्या मतलब मामला था पूरा? पूरा मामला जो थो कि डोकरी को हमने 35,000 रुपया मतलब दिए थे। हाँ, फिर और दे तो चीज़ खातर चीज़ छुट्टी ना इन्हें मार दिया। अच्छा, गिरवी रखे हुए थे रुपए, वो चीज़ रखी हुई थी तो छुटाने के लिए आपने 35,000 रुपये दिए थे। तो दोनों देवर भाभीियों ने चीज़ छुड़वाई नहीं और माँ को मार दिया? यही बता दूँ, मार दिया। कुछ दिनों पहले एक 50-55 साल की वृद्ध महिला की लाश मिली थी बम्बे में, उसकी चादर में बंधी हुई थी। पुलिस ने उसकी पहचान की थी और पीएम कराया था। पीएम में स्ट्रैंगुलेशन से हत्या की पुष्टि हुई थी। हत्या की पुष्टि होने के बाद जो मुकदमा दर्ज हुआ था, अज्ञात में दर्ज हुआ था, ये ब्लाइंड केस था।
पुलिस इसमें परेशान रही थी कि ये किसने हत्या की होगी, और महिला की मृत्यु का मामला था, गंभीरता से इसको लिया गया। टीमें इसमें गठित की गई थी, सीओ भोगांव और सर्विलांस सेल स्वाट सेल, ये तीन टीमें गठित की गई थी जिनको सफलता मिली है। जब सारे एंगल्स खंगाल लिए गए, अंत में घर के लोगों पर फोकस किया गया, तो जानकारी मिली कि इस मृतक महिला का एक बेटा है जो बेहद नशेड़ी है, शराब और ड्रग्स की नशा करता है। उसने ही अपनी भाभी और अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर के इसकी गला घोंटकर हत्या कर दी है। इसके मोटिव के बारे में जानकारी जब की गई तो पता चला कि ये बेहद नशेड़ी है और नशे के लिए इसको पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, तो माँ से मांगता था तो माँ नहीं देती थी। इस बात पर इसका अक्सर झगड़ा होता रहता है। एक किसी सिलसिले में एक दिन कुछ दिन पहले इसने अपनी झोपड़ी भी जला दी थी। उसके बाद जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन इस बात पे झगड़ा हुआ क्योंकि ये अपनी भाभी से शादी भी करना चाहता था, कोर्ट मैरिज करना चाहता था, और माँ उसका विरोध करती थी। और इसका बड़ा भाई ट्रक चलाता है, वो भी नशे का आदी है, तो इसकी जो भाभी है अपने पति को लाइक नहीं करती थी, इससे शादी करना चाहती थी। इसी बात पर काफ़ी तेज़ झगड़ा हुआ, और फिर चूँकि इसके दो दोस्त भी आए थे तो सब ने मिलकर, ये चार लोगों ने मिलकर के उसको गला घोंट के हत्या कर दी और उसकी बॉडी को उसी के साल में लपेट करके, एक बम्बा वहाँ पड़ता है मेरापुर छदामी गांव है वहाँ पे जा करके बम्बे में डाल दिया। बॉडी 6-7 दिन के बाद इसी मृतक के चचेरे भाई के द्वारा देखी गई थी और उसके द्वारा पहचान की गई थी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। अब ये सारे गिरफ्तार हो गए हैं, सब ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। अभी दो लोग गिरफ्तार होने को बाकी हैं और जिस मोटरसाइकिल से इसकी लाश को बम्बे में फेंका गया था मोटरसाइकिल की बरामद करना बाकी है। फिलहाल इस देवर भाभी जिन्होंने साजिश की थी उनको आज पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम कर रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।